गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एज गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एज लिवर स्पेशलिस्ट, ये मुझसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन पर वीडियो बनाने का मेरा कभी कोई इंक्लिनेशन नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन इतने बार पूछा जाता है कि मैंने सोचा कि इसको साइंटिफिकली एनालाइज एक बार करना ही चाहिए। नाउ, क्या आपको अल्कोहल खाली पेट पर पीना चाहिए या भरे पेट पर पीना चाहिए? ये क्वेश्चन हमेशा सामने आता है। क्या मैं शराब पीने के पहले कुछ खाऊं या मुझे खाली पेट पीना चाहिए? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। नाउ, जहां तक अल्कोहल का सवाल है, आपने एक बार ली तो आपकी खाने की थैली में पहुंची, यानी स्टमक में पहुंची, एंड स्ट्रेट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची। और जैसे ही जब आपका पेट खाली होगा, ये वहां से पहुंचेगी तो एब्जॉर्ब होगी और आपके सीधे ब्लड में जाएगी। एक बार ब्लड स्ट्रीम में जाएगी स्पीड से, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेन को हिट करेगी एंड आपको बहुत स्पीड से टिप्सी बना देगी। और ये बात सही है कि अगर आपने कंटिन्यूअसली 1-2-3 ड्रिंक लिए, आपका पेट खाली है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो ड्रिंक्स हैं उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए कि ये किक करेगी, ब्रेन को हिट करेगी और आपको टिप्सी बना देगी। नाउ, अगर आप पहले कुछ खाते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं? क्या होता है एक्चुअली आप पहले खाते हैं तो? मान लीजिए आपने पहले कुछ खाया हुआ है, तो जो भी खाने की चीज आपके पेट में गई उनमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होगा। तो जो वाटर कंटेंट है, तो उसके बाद अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो जो अल्कोहल पहुंचेगी तो वो डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी खाने की जो थैली है उसमें वाटर कंटेंट है जो आपने पहले से खाया हुआ है। तो अगर वाटर कंटेंट है तो अल्कोहल डाइल्यूट हुई तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा, तो फास्ट आपके ब्रेन की तरफ नहीं जाएगी। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपने जब भी कुछ खाया उसमें प्रोटीन्स होंगे, उसमें फैट होंगे, उसमें फाइबर होंगे, ये तीनों चीजें होंगी। तो ये चूंकि ऑलरेडी फूड आपके स्टमक में प्रेजेंट है, तो आपके जो अल्कोहल है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो वाटर कंटेंट है उसने डाइल्यूट किया, और प्रोटीन फैट एंड फाइबर ने इसका जो एब्जॉर्प्शन इसका स्लो किया। तो ये दोनों चीजें होंगी, तो जो अल्कोहल है बहुत स्पीड से आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगी तो आपके ब्रेन को हिट नहीं करेगी, इसलिए आपको जो एक टिप्सी होने की या किक करने की संभावना है वो कम होगी। इसके अलावा आपकी बॉडी को रिक्विजिट जो विटामिन से मिनरल्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ, अगर आपने कुछ नहीं पहले खाया और अब आप अल्कोहल पी रहे हैं और आपको कुछ उसके साथ में कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए? नाउ, अगर आप साल्टी स्नैक्स लेते हैं तो ये आपकी थर्स्ट को बढ़ाते हैं। तो आप साल्ट स्नैक्स लेते हैं, ये आपकी थर्स्ट को बढ़ाते हैं, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आप अल्कोहल ज्यादा पी जाएंगे, इसलिए कि अल्कोहल इज ए लिक्विड। अल्कोहल चूंकि जो ना लिक्विड है, तो ये आपकी थर्स्ट को भी कम करती है, तो यू विल जो ना ड्रिंक मोर। तो इसलिए जो साल्टी स्नैक्स हैं उनको आपको अलग करने की जरूरत है, जबकि आप सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग अल्कोहल अल्कोहल इनटेक। नाउ, जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, साथ में पानी भी अलग से भी पिए, सो दैट जो अल्कोहल के ड्रिंक के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो एक तो डिहाइड्रेशन से बचते हैं, एंड जो एक किक होने की संभावना है वो कम होती है, इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। नाउ, अगर आपको अल्कोहल के पहले कुछ खाना है तो क्या खाना चाहिए? नाउ, अगर आपको वेजिटेबल्स खाने हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें जिनका वाटर कंटेंट हाई हो। अगर वेजिटेबल खाना है तो आपको कुकुम्बर या खीरा खाने की जरूरत है, आपको टोमेटोज खाने की जरूरत है, आप जो ना मूली खा सकते हैं, आप बेल पेपर खा सकते हैं, इस तरह की चीजें लें जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा है और जिनमें फाइबर भी है। दैट्स नंबर वन। अगर आपको फ्रूट्स खाना है तो आपको एक्चुअली 2 केले खाना चाहिए, 1 या 2 केले खाएं तो जो केला है उसमें फाइबर की अमाउंट बिल्कुल ठीक है, वाटर का कंटेंट उसमें है और न्यूट्रिएंट भी आपको ठीक मिलते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी खाएं लेकिन अल्कोहल के पहले कुछ खाएं। नो, क्वेश्चन यह है कि कितने पहले खाएं। अगर मान लीजिए मुझे 7 बजे शाम को अल्कोहल पीनी है और मैंने तो खा लिया है 3 बजे, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज नॉट दैट।
ये बिल्कुल जरूरी है कि इस टाइम फ्रेम को ध्यान से देखें। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, जो भी मैंने चीजें कहीं खाने के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल, ये कम से कम 15 मिनट पहले खाएं। अगर आपने 3 घंटे पहले कुछ खाया है तो आपकी खाने की थैली खाली है, तो 15 मिनट पहले इन चीजों को जो है लेने की जरूरत है। तो अगर आप एक कुछ ड्रिंकिंग सेशन प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बिफोर टेकिंग अप द ग्लास आप अपनी प्लेट उठाइए, वो जो प्लेट उठाइए उसमें कुछ नरिशिंग फूड रखिए, और जो नरिशिंग फूड है उसको आपको यूज करने की जरूरत है अल्कोहल से करीब 15-20 मिनट पहले, सो दैट जो अल्कोहल है आपको किक ना करने पाए। तो आपको जो अल्कोहल है वो खाली पेट पे लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, और साइंटिफिक आंसर यही है कि आपको कुछ ना कुछ खाना जरूर खाना चाहिए। अगर इस फैक्ट को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर फॉलो करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।